मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बबेरू क्षेत्र के ग्राम पंचायत सदस्यों ने 5 अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बांदा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा महिला अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। आज बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र में 75 पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपा तथा उन्हें पद से हटाने की मांग की है। पंचायत सदस्यों ने कहा कि वर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुख बबेरू सुमन देवी द्वारा क्षेत्र के विकास में गत एक वर्ष से कतई रुचि नहीं ली जा रही है। लगभग हर कृषि कार्य विकास कार्य में प्रचुर मात्रा में कमीशनखोरी की जा रही है। कहा कि राज्य वित्त में आई हुई धनराशि से निर्माण कार्य स्वतः अपनी मर्जी से किए जाते हैं, जिसका कोई प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित नहीं किया जाता है। क्या समस्या है, किस बात को लेकर आए हुए हैं? अरे जो हमारा ब्लॉक प्रमुख है उसको हटाना चाहते हैं। वो मनमानी करता है और किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य का सुनता नहीं है और दमंग व्यक्ति है। विकास कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हम यहाँ अभी स्वास्थ्य प्रस्ताव लेके आए। कौन कहाँ से आए? हम कलाना से आए। ठीक। बबेरू से हम लोग सभी पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर 21 तारीख को आए थे। आज डीएम साहब के द्वारा नोटिस भेज रही थी तो उसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं कि हमारा प्रमाण पत्र सत्यापन हो और सीनियर सत्यापन हो। आज हम लोग लगभग 80 लोग आए हैं। 70 लोगों ने पहले हलफनामा दिया था, एक कम 70 लोगों ने, और 11 लोग और बढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर कहा गया अधिकारियों द्वारा कि जो जिन लोगों ने सत्यापन के लिए नोटिस गई है उन लोगों का सत्यापन होगा, बाकी लोगों की कोई गिनती नहीं होगी। ठीक है। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जिसमें 53 लोगों ने साइन किया है। अच्छा। उपस्थित होकर बाकी कुछ लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, कोई कमाने चला गया है, कोई बीमार है या प्रेगनेंसी पीरियड में है कोई महिला हमारी, तो इस वजह से उपस्थित नहीं हो पाए। तो अब डीएम साहब के ऊपर है, जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्होंने कहा कि अब डीएम साहब फैसला लेंगे इसका कि आगे क्या कार्रवाई होगी। इसमें पेशा बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट।